नमस्कार दोस्तों, एक बार नए वीडियोज में आप सभी का स्वागत। और अभी मैं मौजूद हूँ कानपुर रेलवे स्टेशन में, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये विहंगम दृश्य कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का है। आज के इस वीडियोज में हम आपको बताने वाले हैं कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन आप कैसे आएंगे और क्या क्या चीज़ें। आप देख सकते हैं मेन गेट पे अभी हम एंट्रेंस में खड़ा है, जो कि ये यहाँ पे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। और ये है आपका रेलवे स्टेशन, यहाँ से प्रारंभ होता है। आपको बता दें कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है CNB, जिसमें से 28 ट्रैक है और 10 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके जैसे ही सामने आप आएंगे, जब भी रेलवे स्टेशन आते हैं तो इसी के सामने आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। सामने जो आपको दिख रहा है मस्जिद है, इसी के बगल में होटल भी है। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ भी आपको होटल मिल जाएगा। ये पूरी तरीके से पार्किंग के लिए बनाया गया, जो कि गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आती है तो यहीं पे रुकती है। जो पार्किंग स्थल है यही है जहाँ पे कार पार्किंग करके रखा जाता है। इसके साथ साथ में जो ऑटोज वगैरह होते हैं वो यहाँ पे पार्क करके रखा जाता है। तो इसी के सामने जब आप निकलेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जहाँ पे आप रुक सकते हैं, जहाँ पे आप गुजार सकते हैं। जब भी आप कानपुर पहली बार आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी घबराना है, क्योंकि कानपुर सिटी काफ़ी बड़ा है और आपको बहुत सारे होटल यहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें से आप रुक सकते हैं, रात को स्टे कर सकते हैं, दिन को स्टे कर सकते हैं। जिस तरीके से आपका है उस तरीके से आप यहाँ पे रुक सकते हैं। बजट की बात करें तो 500 से लेकर 5000, जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से आप यहाँ पे रुक सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो आपको लोकेशन दिख रही है, यहाँ से एंट्री होता है। अभी जब भी आप आएंगे कानपुर रेलवे स्टेशन तो आपको यहाँ पे छोड़ा जाएगा। यहाँ छोड़ने के बाद पीछे के लोकेशन में जो आपको दिख रहा है वहाँ से आप एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के बाद फिर आप अंदर जा सकते हैं। अभी हम आपको और भी दिखाते हैं, पीछे ले चलते हैं और भी जगह पे जहाँ आप देख सकते हैं। ये जो आपको पूरा स्पेस नज़र आ रहा है ये भी पूरी तरीके से जो है पार्किंग के लिए बनाया गया। यहाँ पे भी लोग जो है पार्क करके गाड़ियाँ वगैरह रखते हैं। ऑटो जस्ट स्टैंड है ये पूरी तरीके से, तो अलग अलग लाइनें यहाँ बनाया गया जिसमें से आप रुक सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये पूरा जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये कानपुर रेलवे स्टेशन का है, जिसमें से रुक सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर जो है कानपुर का जो जगह है वहाँ पे आप घूम सकते हैं। पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज एरिया है कानपुर सेंट्रल, कानपुर सिटी जो है, तो काफ़ी संख्या में लोग इंडस्ट्रीज का काम होता है तो लोग आते हैं, या फिर यहाँ पे और भी जो चीज़ें काम होती है उन सभी के लिए यहाँ पे लेदर वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट तो इन सभी चीज़ों के लिए आते हैं। स्टेशन काफ़ी स्वच्छ रखा गया। अभी हम प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे और आपको प्लेटफॉर्म के अंदर भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म के बाहर ये नज़ारा था जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रहने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बिल्डिंग जो दिख रहा है इसी के बगल में पूछताछ है, जहाँ पे पूछताछ भी है और इसके साथ साथ वहाँ पे आपको जो है रिजर्वेशन वगैरह भी हो जाता है। टिकट वगैरह आप वहीं पे ले सकते हैं, यहाँ भी टिकट मिल जाएगा, वहाँ भी टिकट मिल जाएगा। दोनों जगह पे जो मेन गेट है यहाँ से जब आप घुसेंगे तो दोनों जगह पे आपको टिकट मिल जाएगा, जहाँ पे आप टिकट ले सकते हो। टिकट कटाने के बाद फिर आप जो है जो आपका काम है, जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। शताब्दी ट्रेन से लेकर बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि कानपुर से जाती है, चाहे आपको दिल्ली जाना हो या फिर भारत के कोई भी हिस्से जाना हो, उन सभी जगह के लिए आपको यहाँ से ट्रेनें जो है वो मिल जाएगा, अवेलेबल मिल जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस से लेकर सभी ट्रेनें, शताब्दी एक्सप्रेस, इन सभी दुरंतों वगैरह सभी ट्रेनें यहाँ पे रुकती है। सभी का स्टॉपेज यहाँ पे बनाया गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी ट्रेन में अगर आप कराते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। ये कानपुर का इन्फॉर्मेशन था। कानपुर सिटी काफ़ी बड़ा है, अगर आप घूमेंगे तो काफ़ी बड़ा स्पेस में है, काफ़ी बड़े चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़े दुकानें हैं। और स्टेशन भी देखिए, वहाँ से स्टार्टिंग होता है, वो पूरी तरीके से अगर आप इधर इधर देखें तो ये पूरा जो स्टेशन है ये काफ़ी लंबा है, तो ये पूरा स्टेशन है दोस्तों। अभी हम अंदर आपको ले चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।